वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको एक वीडियो में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करें। ठीक है, तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिया है तो आपको उसके अंदर पहले वर्ब ढूंढना है। ठीक है, तो पहले आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब से आगे के शब्दों का जो हिंदी होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो वर्ब के पीछे के वर्ड होंगे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यानी कोई भी इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन करना है तो बीच में आपको वर्ब मिलेगा, उसके आगे सब्जेक्ट मिलेगा और उसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पहले आपको सब्जेक्ट का हिंदी बनाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का हिंदी बनाना है, फिर आपको वर्ब की हिंदी बनाना है, तो आपको पूरी सेंटेंस की हिंदी बन जाएगी। तो जैसे लिखता है, हाउ आर एनिमल्स बेटर देन मैन। तो अब यहाँ पे आप ढूंढोगे तो यहाँ पे में वर्ब कौन सी है, तो यहाँ पे है वर्ब आर, तो आर हो गया। अब आर जो है ये आपका वर्ब है, इसके आगे जाओ, हाउ माने कैसे, तो कह रहा है कि कैसे 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 जानवर, ठीक है, कह रहा है कि कैसे जानवर मनुष्य की तुलना में बेहतर हैं या अच्छे हैं, जानवरों की तुलना में मनुष्य कैसे बेहतर हैं। तो अब जैसे यहाँ से इसका आंसर समझाते हैं आपको। तो लिखा है कि एनिमल्स आर सेल्फ कंटेन अनकम्प्लेनिंग एंड सिंपल, ऑनेस्ट एंड पीसफुल। तो पहले इस सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब हो गया ये आपका आर, तो इसके आगे अब सब्जेक्ट कौन है, एनिमल्स, तो पहले इसकी हिंदी बनेगी, तो जानवर, अब ये इसकी हिंदी पहले बनेगी, अब ये वर्ब हो गया इसकी हिंदी सबसे बाद बनेगी, अब इसके पीछे से बनाते चलेंगे। तो नहीं, यहाँ से पीसफुल, फिर एंड ऑनेस्ट, फिर उसके आगे सिंपल, फिर अनकम्प्लेनिंग और सेल्फ कंटेंट। तो हिंदी बनेगी जानवर जानवर मतलब जानवर क्या है, तो आत्मसंतुष्ट, ठीक है, आत्मसंतुष्ट हैं, शिकायत ना करने वाले, साधारण, ईमानदार और शांतिपूर्ण हैं। तो जानवर जो है आत्मसंतुष्ट हैं, अनकम्प्लेनिंग हैं, सिंपल हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और शांतिपूर्ण हैं। तो ऐसे आपको इसका हिंदी बनाना पड़ा। ठीक है, यानी पहले आपको इस वर्ब से पहले की हिंदी बनानी पड़ी, फिर इसके पीछे वाले की हिंदी बनानी पड़ी और फिर बीच वाले की हिंदी बनानी पड़ी। ठीक है, ऐसे अगले में लिखा है, ह्यूमंस यानी मानव कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन। अब इसमें वर्ब कौन है, तो कीप, तो ये वर्ब को छोड़ो, पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे इसके आगे वाले की। तो लिखे ह्यूमन यानी मानव कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन, तो पहले इसकी बनेगी कि मानव, देयर कंडीशन माने अपने हालात के, अबाउट माने बारे में, कीप मतलब कंप्लेन माने शिकायत, कीप माने करते रहते हैं। तो जो मनुष्य हैं वो अपने हालात की बारे में शिकायत करते रहते हैं या अपने स्थिति की शिकायत करते रहते हैं। दे यानी वे कमिट सिंस यानी वो पाप करते हैं, दे माने वे, सिंस माने पाप, कमिट माने करते हैं, एंड माने और, देन माने तब, और तब, रिपेंट माने पछताते हैं। दे यानी मनुष्य, दे प्रीच ए लोट, तो वो बहुत सारा प्रीच भी करते हैं यानी प्रचार भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं। दे क्रिएट डिफरेंसेस, तो वो उत्पन्न करते हैं, डिफरेंसेस माने भेदभाव, अमंग देमसेल्व देमसेल्व यानी अपने बीच में भेदभाव उत्पन्न कर लेते हैं मनुष्य। दे आर ग्रीडी यानी वे, ग्रीडी माने लालची हैं, और प्रेटेंशियस आल्सो, तो वे लालची भी हैं और वो प्रिटेंटियस भी करते हैं यानी दिखावा भी करते हैं। एनिमल्स नीदर कंप्लेन नॉर ग्रूड, कह रहा है कि जो जानवर होते हैं वो ना तो शिकायत करते हैं और ना ही ग्रूड ग्रूड्स करते हैं। तो ग्रूड्स का मतलब है ईर्ष्या प्रकट करना, नफरत या असंतोष पैदा होना। तो जो जानवर होते हैं वो ना तो शिकायत करते हैं और ना ही ग्रूड माने ईर्ष्या या नफरत करते हैं।
दे नीदर प्रीच, वो ना तो कोई प्रीच माने उपदेश देते हैं या प्रचार करते हैं, और नॉर वर्शिप ना पूजा पाठ करते हैं। दे आर नॉट एम्बिशियस, वे महत्वाकांक्षी नहीं है। एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षी नहीं है, और ग्रेडी माने लालची नहीं है। दस माने इस तरीके से, दे आर बेटर देन ह्यूमन, इसलिए जानवर यानी जो एनिमल्स हैं आर बेटर देन ह्यूमन, वो मनुष्य से बेहतर हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया। तो इसे लिखा है दे माने वे, फिर आर की इंग्लिश बाद में बनाएंगे, तो दे मतलब वे मनुष्य की तुलना में, यानी देन ह्यूमन माने मनुष्य की तुलना में अच्छे हैं, तो वे मनुष्य की तुलना में अच्छे हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को मतलब इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले आप जैसे सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, ऑब्जेक्ट ढूंढो, तो पहले आप सेंटेंस में वर्ब ढूंढो, तो वर्ब की ट्रांसलेशन बाद में बनाना है। पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, पहले उसकी इंग्लिश बनाना है, फिर पीछे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा उसकी हिंदी बनाना है, फिर बीच में जो वर्ब होगा उसके सबसे एंड में आपको हिंदी बनाना है, तो आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ऐसे ही बनाना था। तो ये है कि जैसे एनिमल्स आर यानी जानवर सेल्फ कंटेन्ड माने आत्मसंतुष्ट हैं, अनकम्प्लेनिंग माने शिकायत ना करने वाले हैं, सिंपल माने साधारण हैं, ऑनेस्ट ईमानदार हैं, एंड पीसफुल माने शांतिपूर्ण हैं। ह्यूमंस कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन, यानी जो मानव हैं अपनी स्थिति के बारे में शिकायत करते हैं। दे कमिट सिंस एंड देन रिपेंट, तो वे पछताते हैं और पाप करते हैं, या कह लो वे पाप करते हैं और तब पछताते हैं अपने कामों को लेकर। दे प्रीच ए लोट, तो वे बहुत सारा, दे माने वे, ए लोट माने बहुत सारा, प्रीच माने प्रचार करते हैं या दिखावा करते हैं, उपदेश देते हैं। दे क्रिएट इंडिफरेंस अमंग देमसेल्फ, तो दे माने उन्होंने, क्रिएट माने उत्पन्न कर ली है, तो उत्पन्न कर लिया डिफरेंस अमंग देमसेल्फ, तो उन्होंने अपने अपने बीच में अंतर को उत्पन्न कर लिया, अपने बीच में यानी मतभेद या भेदभाव को उत्पन्न कर लिया है। दे आर ग्रीडी एंड प्रिटेंशियस आल्सो, तो वे प्रिटेंशियस भी हैं यानी दिखावटी भी हैं, और ग्रीडी माने लालची भी हैं। एनिमल्स नीदर कंप्लेन, जानवर ना तो शिकायत करते हैं ना ही ग्रूड यानी ईर्ष्या नफरत करते हैं। दे नीदर प्रीच, वो ना तो प्रचार करते हैं या उपदेश देते हैं, ना ही वर्शिप यानी ना पूजा करते हैं। दे आर नॉट एम्बिशियस, तो वे महत्वाकांक्षी नहीं है और यानी या लालची नहीं है। दस माने इस तरीके से, इस तरह से। दे आर बेटर देन ह्यूमन, तो वे मानव की तुलना में बेहतर हैं, अच्छे हैं। ठीक है।